नमस्कार दोस्तों, एकादशी तिथि को हिंदू धर्म में बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है और फागुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को विजया एकादशी के नाम से जाना जाता है। कहते हैं कि इस दिन भगवान विष्णु की पूजा आराधना करने से हर क्षेत्र में आपको सफलता मिल सकती है। साल 2024 में विजया एकादशी 6 मार्च को है। विजया एकादशी के दिन भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए क्या पूजा विधि आपको अपनानी चाहिए, इसके बारे में आज हम आपको अपने इस वीडियो में जानकारी देंगे। तो आइए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, अगर आप विजया एकादशी के दिन व्रत रखने वाले हैं तो आपको सबसे पहले एक शुद्ध स्थान बनाना चाहिए और उस पर सप्तनाज रखनी चाहिए। ये कार्य अगर आप एक दिन पहले कर दें तो बेहतर रहेगा। इसके बाद विजया एकादशी के दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर आपको पूजा का मंदिर अच्छे से स्वच्छ करना चाहिए, फिर उस पर सप्तनाज रखने चाहिए। इसके बाद वहाँ पर चांदी, तांबे या मिट्टी का कलश आपको स्थापित करना चाहिए। इन सबके बाद भगवान विष्णु की प्रतिमा या मूर्ति आपको वहाँ पर स्थापित करनी चाहिए। फिर धूप, दीप, चंदन, फल फूल और तुलसी आदि से भगवान विष्णु की पूजा आराधना करनी शुरू करनी चाहिए। व्रत रखने के साथ विजया एकादशी व्रत की कथा का भी आपको पाठ इस दिन अवश्य करना चाहिए। रात्रि के समय श्री हरि के नाम का जप और कीर्तन भी आप कर सकते हैं। इस दिन विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना भी अत्यधिक शुभ फलदायक माना जाता है। तो दोस्तों, इस तरह से अगर आप पूजा करते हैं विजया एकादशी के दिन तो आपको भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है और आप हर क्षेत्र में विजय प्राप्त करते हैं। आइए अब जानते हैं कि इस दिन का महत्व क्या है। तो दोस्तों, विजया एकादशी को लेकर मान्यता है कि इस व्रत को रखने से व्यक्ति को विजय मिलती है। लंका विजय करने की कामना से बगदालभ्य मुनि के आज्ञानुसार समुद्र के तट पर भगवान राम ने इसी एकादशी का व्रत किया था, जिसके प्रभाव से रावण का वध हुआ और भगवान रामचंद्र की विजय हुई। तो दोस्तों, अब आप जान गए होंगे कि आखिर क्यों विजया एकादशी को इतना महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि इस दिन स्वयं भगवान राम ने भी विजय की कामना के साथ व्रत रखा था और इस व्रत के प्रभाव से ही भगवान राम को लंका पर विजय प्राप्त हुई थी। तो अगर आप भी जीवन में विजय प्राप्त करना चाहते हैं, ईश्वर का आशीर्वाद चाहते हैं, तो आपको भी विजया एकादशी के दिन व्रत अवश्य रखना चाहिए। उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आपको हमारे द्वारा दी गई यह जानकारी पसंद आई होगी। ऐसी ही रोचक जानकारियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और देखते रहें एनबीटी लाइव। नमस्कार।